और हमारे YouTube चैनल एस मलिक जी सेंटर में जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीमेंट्री एंगल से बना हुआ, जिसमें आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा मेंशन किया हुआ है। इधर ये एंगल है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 रेशियो और उनका एक वैल्यू जो होता है प्रॉपर रूप से वो वैल्यू भी रखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को, इससे रिलेटेड जो चार्ट है उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, इसी को आज हम लोग समझते हैं और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए थे, याद कीजिए, आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, इस तरह से ही हम लोग इसको देखेंगे। एक फॉर्मूला अगर एक याद कर लीजिएगा, एक अगर आपके माइंड में बैठ गया और टेन और सेक, अगर ये तीन आपके आप बहुत तेज है, ब्रिलियंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने हमारा सारा वीडियो बहुत ही लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत हौसला बढ़ रहा है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इसी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का 1। देख लीजिए, फिर से ध्यान से देखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। इसी तरह से देखिए, आप देखिए साइन का रिवर्स कर जाएगा, ये 1 0 में आ गया जो 90 में था और 60 जो 30 में, 1/√2 फिर तरह से, यानी यह पूरा कंप्लीट जो साइन में आप जो कंप्लीट जो सेट देख रहे थे वो पूरी तरह से रिवर्स हो गया। देख लीजिए, 1 इधर है, 0 उधर चला गया है, सब सेटिंग हो गया है। उसी तरह से अगर 10 का आप देखेंगे, 10 0 का वैल्यू 0, 10 30 का डिग्री 1/√3, 45 का 1, 60 का 60 का √3 और 90 का, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनेटिव, लेकिन एक्चुअली सिंबल में इन्फिनेटिव लिखेंगे लेकिन वर्ड में लिखा जाता है नॉट डिफाइंड, अभी तक फाइंड नहीं किया गया है कि 10 90 का वैल्यू क्या होता है। हो सकता है कि आगे वाले दिनों में आप में से कोई इसको फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी, इसी तरह से आप 10 का रिवर्स देखेंगे तो कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनेटिव, 30 का वैल्यू 1/√3, उसी तरह से देखिए रिवर्स कर गया है ना, पूरा रिवर्स 10 का रिवर्स किया है कि नहीं किया है। तो 10 का समझिए को दुश्मन, 10 का दुश्मन यहां पर कॉट हो गया है। उसी तरह से सेक को अगर आप देखेंगे, सारे वैल्यू इसको मेंशन किया गया है और उसका भी रिवर्स सेक का ऑपोजिट कॉसेक है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, तीन टॉपिक अगर आप इसमें कर लिए ये भी एक्सरसाइज आपका पानी की तरह हो जाएगा, है ना। आगे इसको हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को उठाएंगे, है ना, सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, चार्ट आपके सामने है, प्रॉब्लम सारा सेट आपके साथ है, आप इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45, ये प्लस 5 कॉस 90 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, साइन 60 एकदम दो तीन बार इसको रिवीजन कीजिएगा ना, बनाइएगा ना, कि चार्ट अपने आप याद हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, क्या हो गया इसका वैल्यू √3/2 डिवाइड कॉस 45, कॉस 45 कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 और कॉट 30 है, ये हमारे पास क्या है कॉट, कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉट 30 का वैल्यू तुम देख लीजिए √3, है ना। पहले कब जब भी आप प्रॉब्लम बनाए तो पहले दो चार बार क्या है इसको रिवीजन कर ले और चार्ट सामने रख के बनाए, प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद ये आपका इजी वे हो जाएगा। ये हो गया आपका √3, ये हो गया 2, क्लियर। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, देखिए यहां से 1/2 का स्क्वायर करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2 2 जा 4 कर देते हैं, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो रहा था, बोलिए सर बात तो एक ही है, लेकिन अगर यहाँ 3 होता तो 3 2 जा 6 आप कर लेते, नहीं
थ्री टू जा फिर थ्री थ्री जा नाइन हो जाता, तो यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा 1/4 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 और ये हो गया हमारे पास √3। आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये √3/2 अपनी जगह पर हो जाएगा है ना, और ये रिवर्स ऊपर चला जाएगा 4 है ना, 2 नहीं 4 है, 4/1 माइनस √3, ये 2 से 2 कैंसिलेशन हो गया है ना, तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिल गया 2√3 माइनस √3। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इसको लिखिएगा तो √3 इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा, एक ये तरीका है। दूसरा 2√3 में से 1√3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1√3 बचेगा। हो गया ये सॉल्व, हो गया ना, इसी देखिए कितना इजी है। कल चार्ट हमें 2 बार रिवीजन कराना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम भी आपका इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। अब आगे हम बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। नंबर 2, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइन 60, देखिए अब याद हो गया हमको है ना, लर्न हो गया आप लोगों को भी, साइन 60 का सर √3/2 यस। अब बताइए कॉस 30 का, तो साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा है, अपोजिट है साइन का उल्टा, कौन कॉस यहाँ पर उल्टा होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू मुझे याद हो चुका है ना आप लोगों को, तो 1/2। और आपको ये भी उल्टा याद होगा कि साइन का अगर वैल्यू 30 है तो कॉस 60 का भी उल्टा पहुंच जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, तो टाइम साइन 30 का वैल्यू जो है कॉस 60 के बराबर होता है, तो ये भी मेरे पास 1/2। आगे इसको सॉल्यूशन बढ़िएगा तो √3 का। अब देखिए एक बात समझाते हैं, बेसिक बातें हैं, बहुत से इसको नहीं समझ पाते हैं हम लोग है ना, तो रूट ए अपनी जगह पर है। अभी देखिए 1/2 रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में, और 1/2 देखिए यहां पर ए एक कॉमन हो गया। अब आप जानते हैं ना, पढ़े ना एक्सपोनेंशियल में, तो ये दोनों पावर आपस में जुट जाएगा, 1+2 1+2 क्लियर। अब सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 2, अब सॉल्वेशन कीजिएगा 1+1 पावर में होगा, ए 2/2 कैंसिल होके क्या बच गया, ए बचा कि नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि रूट अगर एक ही नंबर का जो है, अगर वो एक ही नंबर पर रूट चढ़ा हुआ हो तो वो वैल्यू उसके बराबर ही हो जाएगा, रूट हट जाता है। यहाँ √3 √3 होके तो क्या मिला हमको, ये हमको मिलेगा सिर्फ √3 कैंसिलेशन हो जाएगा और बच जाएगा 3/2 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4, 2 से ये 2 कैंसिलेशन हो जाएगा एलसीएम लेने में, तो 3 × 2 = 6 + 1 ये रिजल्ट आएगा 7/4। ये आ रहा है ना, गड़बड़, 2 × 2 = 4 यही तो मैं देख रहा था बच्चों के, आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मैं हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं पीरियड छोड़ूंगा। ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट आप लोग भी हमारे लाइव क्लास देख रहे हैं, तो ये देखिए कि कहीं एरर तो नहीं है, तो टू ये तो आप रूट कर दिए, और 2 × 2 = कौन करेगा, ये 2 × 2 = 4 होगा। अब इसके बाद एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 = 4, तो कैंसिलेशन करने के बाद 4/4 रिजल्ट कितना मिल गया 1। ये तो आप इसीलिए कहते हैं, जो मेरे छात्र मेरे सामने बैठे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर जो बोल रहे हैं वो सही है ना, आप भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम आपको लेते हैं 3 नंबर, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10² = 45 डिग्री प्लस cos² = 30 डिग्री sin² = 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 tan 45 degree 45 degree tan 45 का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है कि 60 है, 60 है, तो √3/2 है ना। देखिए कितना इजी लग रहा है।
इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, टू और वन वन टू हो गए वन प्लस थ्री को रूट के अंदर भी वही स्क्वायरिंग हो गया। जिस तरह से अगर रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है उसी चीज को तो दो बार लिखा हुआ है ना जी, तो ये भी तो थ्री हो गया। अब इसको प्रूफ करना हो तो वन बाई टू और यहाँ बाहर में टू टू कैंसिलेशन थ्री है ना। इस तरह से एक्सप्लेन देखिए एकदम इजी में वे बेसिक, रटिए मत शॉर्ट फॉर्मूला की ओर जब आप जाएंगे आप धोखा खाएंगे। क्यों? शॉर्टकट रास्ता हमेशा गलत रास्ते की ओर ले जाता है लेकिन कभी कभी बेहतर होता है, तो उस पर डिपेंड नहीं हुए। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक्स की ओर ना जाए। रूट थ्री ये कैंसिलेशन हो गया तो क्या रिजल्ट मिल गया? टू। सफलता पाना है तो धीरे धीरे चलिए, ठीक है, कछुए के चाल चलिएगा तो हमेशा जीत आपकी होगी और अगर खरगोश की हर चाल चलेंगे तो हार पता है कि इसमें किसकी होगी। इस तरह से प्रॉब्लम आपने देखा, तीन क्वेश्चन। अब इसी तरह का शॉर्ट आउट करता हूं मैं, कुछ और क्वेश्चन को मैं लेना चाहूंगा ताकि आपका बेसिक और मजबूत हो जाए। क्वेश्चन है कि इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू फाइंड आउट ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस टाइप्स का भी क्वेश्चन को एक बार मैं अच्छी तरह से देख लूं। दूसरा क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा था और आप लोगों के लिए उपयोगी क्वेश्चन होगा वह यह है, देख लीजिए, टेन थ्री एक्स इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो फाइंड करना है, फाइंड एक्स या जो एक्स है उसका वैल्यू निकालना है। ये दो तरह का क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैंने ऐड किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो थ्री तो हो चुका था, फोर की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देन फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर को अगर आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन उठाइए इसको, एलएचएस टर्म या दोनों को टर्म को देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू वन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। अब याद कीजिए कि साइन में ढूंढिए, ये साइन में जब दिया हो तो साइन में ही ढूंढिएगा। साइन में वन किस में वैल्यू होता है? साइन 90 डिग्री में। यहां आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री, तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ से साइन है ना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको काट देते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। नहीं काटिएगा, नहीं गलत है, क्योंकि एक अच्छा मैथमेटिशियन जो है गलत मेथड से कभी नहीं पढ़ेगा ना पढ़ाएगा, इसलिए दोनों साइन को नहीं कटता है, ये दोनों साइन को ड्रॉप करता है। ये आपको कभी इसके बारे में फुल वीडियो में बताऊंगा कि ये कटता क्यों नहीं है और इसको कॉमन छोड़ दिया जाता है। तो इस जगह पर हम लोग इसको साइन को छोड़ दीजिएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेशन वन बना के रख लीजिए, क्लियर। फिर देखिए अगेन दूसरा क्वेश्चन जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, वह है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। अब आप देखिए कॉस को ढूंढिए, वी हैव टू सर्च द वैल्यू ऑफ द कॉस, कि रूट थ्री बाई टू कैसा होता है कॉस में, तो रूट थ्री बाई टू आपको 30 डिग्री में फाइंड आउट हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। उसी तरह से सिमिलरली दोनों कॉस को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और ए माइनस बी जो है वो आपका 30 डिग्री फाइंड आउट होगा। जब आप देखें ये दोनों निकल गया, ये दोनों इक्वेशन बन गया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। देन आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन एंड टू। अगर वन और टू को आप देखें तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर।
यहां आपने देख रहे हैं। अब आप लीनियर इक्वेशन के तरह से इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं ना। ये आपका इस तरह से होगा, बी कैंसिलेशन हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्यूशन हम आगे बढ़ाते हैं, इस जगह पर लिखते हैं भाई, बोर्ड हम लोग का छोटा थोड़ा सा हो गया है, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों कैंसिलेशन हो गया, जैसे हम लोगों का यहाँ पर इक्वेशन मिला हुआ था a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बी कैंसिलेशन हो गया, तो 2a इक्वल टू, चूंकि 90 प्लस 30, क्लियर, 90 प्लस 30 हो गया, कितना होगा 120। 2 से कैंसिलेशन करेंगे 60 डिग्री, a का वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री, क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ये का वैल्यू निकले ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 कोई भी उठा लीजिए, मान लीजिए 1 ही उठाया, a प्लस बी इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 90 डिग्री, तो a का वैल्यू 60 बैक पुट कर दीजिए, प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पता है कि सेम नंबर वाला सेम डिजिट एक जगह रख देंगे तो प्लस साइन जैसे रिमूव करके उधर जाएगा तो माइनस साइन होगा, तो b का वैल्यू मिल गया मेरे पास 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ, a का वैल्यू 90 डिग्री और b का वैल्यू आपको 30 डिग्री, ये सॉल्यूशन हुआ, क्लियर। देख लीजिए प्रॉब्लम। अब चलिए एक प्रॉब्लम और हमारे पास है जो स्क्रीन बोर्ड पे है, उसको समझते हैं, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसका सॉल्यूशन देखिए, टेन 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब ये देखिए साइन 45, साइन का 45 में वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 में वैल्यू 1/√ होता है, साइन 30 का वैल्यू अगर देखे तो 1/2 होगा। अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1/2, चूंकि √2 मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2 ही मिलेगा, इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 हाफ हाफ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। ये अभी तक हम लोगों का मिल रहा है 3x, ये आपका 3x हो गया। देन tan 3x इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करेंगे tan 3x इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा कि अब खोजिए कि 1 जो है 10 में कहां है, 10 है 45 डिग्री, तो 10 जो हो गया वो 45 डिग्री। यहां भी वही सेम कंडीशन की 10 दोनों तरफ से छोड़ दीजिए तो 3x इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको अगर 45 को 3 से डिवाइड कीजिए, 15 टाइम्स में कैंसिलेशन, देन रिजल्ट 15 डिग्री। आप यहां पर लिखिएगा x का वैल्यू जो हो गया वो 15 डिग्री, देन सॉल्व इट प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट, इसको बढ़िया से इस चार्ट को भी लर्न कर लेंगे। आपको उम्मीद करते हैं यह वीडियो भी पिछले वीडियो के तरह ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं इसी तरह से शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहे, और मैंने आपसे वादा किया है कि क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा इस लॉकडाउन के दरमियान में, उन छात्रों के लिए जो इस बार क्लास 10 बोर्ड देने वाले हैं 2021 में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।